क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर हाई स्कूल की कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर हुआ है 2019 का, प्यारे बच्चों इस पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, कि आप लोगों की जो तैयारी है कितनी तैयारी आप लोग कर चुके हैं, इस विज्ञान के पेपर से तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चों अगर इस विज्ञान के पेपर को आप लोग कर लेते हैं तो इसी तरह का सेट बनेगा प्यारे बच्चों 2020 में। जो 2020 वाला क्वेश्चन फंसेगा वह इसी के पैटर्न पर फंसेगा प्यारे बच्चों, बस इधर से उधर रैंक करते क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2020 में। मैं उम्मीद इसी तरह आपको चाय देता हूँ कि 2020 का जो क्वेश्चन बनेगा बस 2019 के पेपर से इर्द गिर्द बनेगा। इसी तरह जो क्वेश्चन जो चैप्टर से नहीं छुआ है उसी चैप्टर से छुएगा इस बार 2020 में क्वेश्चन। तो इसको इसकी डिजाइनिंग आप सीख लीजिए 2019 की कि किस तरह से हम पेपर को करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन कि कैसे लिखना है। देखिए हम लोग तो कोचिंग में और स्कूल में पढ़ते जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई बुरा नहीं है, अब पढ़ना भी चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं बात करता हूँ आप लोगों से, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के वीडियो में मैं बात करता हूँ, आज मैं कराऊंगा आपको सलूशन, ठीक। तो इसको पेपर को तो सलूशन इसको करना चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं करता है जल्दी इसको, ठीक। तो इसको आप लोग करेंगे तो सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हाई स्कूल के पेपर को सॉल्व किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों मेरे साथ चलिए। पहला तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स वाला हम तो आज नहीं करेंगे, ठीक। तो हम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो केमिस्ट्री वाला मैं इस पेपर को अपलोड कर दूंगा, यदि आप लोग जिसके पास होगा सही होगा, जिसके पास नहीं होगा कोई बात नहीं, इस पेपर को मैं अपने YouTube वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का हाई स्कूल का क्वेश्चन है, क्लास टेन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्लास टेन का क्वेश्चन है खंड क, देखिए खंड ख, यदि आपको लिखना है अपने कॉपी पर तो इसको लिखते रहिए, इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम अपलोड कर देंगे, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं खंड क। केमिस्ट्री का हमारा है 20 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों, 20 नंबर का नंबर आपको 20 नंबर में 20 नंबर ही मिलेंगे प्यारे बच्चों, 20 नंबर में 20 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मेरे साथ बने रहिए तब मिलेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से चालू है यहाँ केमिस्ट्री, पहले तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स 4 नंबर तक खत्म होता है, फिर 5वां नंबर पर आपका इस पेपर में केमिस्ट्री चालू हो जाता है। 5 ध्यान से सुनिए मेरी बात को, गौर से तब समझ में आएगा पेपर को कैसे। परीक्षा में जाइएगा तो खंड क लिखिएगा, फिर खंड क का उत्तर लिखिएगा, क्या लिखिएगा उत्तर या आंसर, इंग्लिश में लिखिए आंसर, क्या लिखेंगे आंसर। प्रश्न नंबर 5 का क ऐसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर पांच का क क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 5 का क का आंसर उत्तर क्या लिखेंगे। प्रोपेन जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका पूरा डिटेल लिखेंगे, एक प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, हम बस प्रोपेन लिखकर बता दे रहे हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है लिखा है दिया है सूत्र है, ठीक। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, पहला दिया है आंसर CH4, ठीक प्यारे बच्चों, दूसरा दिया है C3H8, ठीक, तीसरा दिया है आपका ऑप्शन C4H10, फिर आपका फोर्थ नंबर दिया है ऑप्शन C2H6, तब को प्रोपेन होता है प्यारे बच्चों। आप लोग पढ़े होंगे IUPAC ने में कि मेथ एथ प्रोप पढ़ा होगा, CH4 में CH2 जोड़ते जाइए, C2H6 C3H8, 2 इसमें बढ़ जाएगा 1 इसमें। तो आप लोग उस वीडियो अपने कॉपी में जाइए जहां IUPAC नेम पढ़े हैं वहीं मिलेगा आपको प्यारे बच्चों। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H8 होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर
दूसरा सही है। इस तरह आप लोग इसको लिख कर ऑप्शन नंबर टिक मत करिएगा, हाँ टिक कर दीजिएगा टिक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इस तरह आप आंसर दीजिएगा हाई स्कूल में, ठीक। हाँ इस तरह लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, चारों ऑप्शन भी लिखना है, तुरंत जाइएगा, तुरंत आपको कॉपी मिलते ही लिखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तुरंत लिखिए इसको, आंसर कीजिए ऐसे। C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8, मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, मेथ 8 प्रो ब्यूट, ब्यूट का C4H10, C4H10, इसमें दो दो जुड़ता जाएगा, क्योंकि मैं हाई स्कूल का वीडियो नहीं बनाया हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे, ठीक। चलिए तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन ऑप्शन वाला करना है, बहुविकल्पी, जिसका नाम है हिंदी में बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो इस तरह आप लोगों का आएगा। चलिए पांच का ख पूरा आराम सही से लिखिएगा उत्तर, ऐसे एग्जाम में लिखना है, परीक्षा में कॉपी में इस तरह कॉपी को कंजूसी नहीं करना है, ठीक। पूरा आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको ऑप्शन लिखना है, बनाकर एक का में गजुआ कपट न करिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए लिखा है शुद्ध जल पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है, पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन नंबर 0, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 7, चौथा ऑप्शन दे दिया है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान या उदासीन का पीएच मान होता है 7, ऐसे लगाएंगे 7, आप लोग पढ़ चुके होंगे 7। फिर आपको ग वाला 5 का ख ग का उत्तर ऐसे लिखना है, उत्तर देखिए लेड नाइट्रेट, मैंने आप कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था लेड नाइट्रेट का सूत्र, इसीलिए तो मैंने बताया था, उस वीडियो को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखिए, देखते रहिए उसे जब तक नहीं आता। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ठीक देख लीजिएगा, रासायनिक सूत्र लेड नाइट्रेट का क्या है, तो इसमें से ऑप्शन 4 दिया है, आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया है, एक जो आंसर सही है इसमें ऑप्शन तीसरा सही है, पीबी नहीं दूसरा ऑप्शन नंबर सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि आपका क ख घ तीन उत्तर आपका दिया है बहुविकल्पी, एक एक नंबर का है, यह एक नंबर का क्वेश्चन, यह भी एक नंबर का, जो ऊपर वाला था यह भी, आपको तीन नंबर मिल जाएगा तुरंत प्यारे बच्चों, इस तरह आप लिखिएगा, ठीक। हाई स्कूल वाले बच्चे को ध्यान देते रहिए मेरे पेपर को, आप लोगों का ही पेपर है, आपको देना है 2020 में, नकल के भरोसे मत रहिएगा, इसी तरह लिखिएगा, ठीक। तीन क्वेश्चन मिलेगा, लिख डालिएगा आप लोग। अब आइए 6-5 क्वेश्चन नंबर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, ठीक। तो इसीलिए प्रश्न सिक्स का ऐसे का उत्तर, ठीक आदम इसी तरह लिखिएगा, तब आएगा 80 के ऊपर, 80% के ऊपर वाले बच्चे ध्यान दें, इसी तरह आएगा, 90-96% वाले बच्चे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग लिखिए, चलिए उदा हम देखिए क्वेश्चन पढ़ देना कितना लिखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, पेपर डाउनलोड बार बार पेपर को डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए लिखा है 6 का उदाहरण देते हुए खनिज तथा आयक्स को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, 2 नंबर। अच्छा बताइए खनिज क्या होता है, खनिज हम थोड़ी सी डिस्कशन कर दे रहे हैं, आप लोग मालूम होगा, आप लोग कॉपी में लिखे होंगे, खनिज क्या होता है बता सकते हैं, खनिज बता सकते हैं आप लोग। चलिए पृथ्वी से धातु उनके यौगिक जिस रूप से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से धातु जब पृथ्वी का अर्थ का खुदाई किया जाता है उसमें से धातु प्राप्त होता है, मेटल प्राप्त होता है और उससे यौगिक प्राप्त होते हैं, तो जिस रूप में प्राप्त होते हैं, जिस रूप में जैसे मिट्टी हमको धातु प्राप्त हुआ, मिट्टी पूरा लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, खनिज, हम उसको खनिज कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज प्यारे बच्चों। तो इस तरह लिखिएगा उसे क्या कहते हैं, खनिज।
उस धातु का नाम जैसे CuFeS2 कापर पाइराइट, कापर पाइराइट पाइराइट कापर पाइराइट उसका नाम क्या है, कापर पाइराइट उस खनिज का। इस तरह एग्जांपल देकर आप लोग लिख दीजिएगा खनिज क्या, पृथ्वी से धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। एग्जांपल CuFeS2 ये क्या है, एक खनिज है। ठीक, अब आई अयस्क, अयस्क क्या है, हेडिंग डाल के खनिज हेडिंग डालिए, अयस्क भी हेडिंग डालिए, तब दो नंबर को अयस्क खनिज था अयस्क को स्पष्ट कीजिए कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। तो देखिए उस खनिजों को जिस या पृथ्वी से धातु तथा उनकी यौगिक जिस रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें यौगिक कर उन्हें खनिज कहते हैं, तथा उन खनिजों को जिससे किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में क्या कर दिया जाए, कम खर्च में अलग कर दिया जाए, उनको एक मरम्मत कर दिया जाए, एक उनको अलगाव कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। धातु हमको मिला तो उसका नाम खनिज पड़ा, उस धातु को हम साफ सफैया कर दे, ठीक अलग कर दे कम खर्च में, तो वो क्या बन जाता, अयस्क, क्या बन जाता, अयस्क। जैसे गैलेना, पीबी पीबीएस गैलेना, इसका कान गैलेना पीबीएस गैलेना, या एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2S2 इसका नाम है, 2S2 एल्युमिनियम या बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट के नाम से भी जाना था, बॉक्साइट। तो दो तीन एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, खनिज और अयस्क को डिस्कशन कर देंगे, विस्तार से परिभाषित कर देंगे कि पृथ्वी से धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जैसे कापर पाइराइट, तथा उन खनिजों को हम कम खर्च में उनका क्या करते हैं, निस्तारण कर देते, कम खर्च में इनका हम धातु को प्राप्त कर लेते, उन्हें अयस्क कहते हैं, जैसे गैलेना बॉक्साइट ऐसे लिख देंगे। ठीक, जो भी आप लिखेंगे इस तरह, तो आपका 6 का खत्म हुआ, तो नंबर मिल गया। ठीक, चलिए अब इसको हम हटाते हैं। चलिए तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, 6 का क खत्म, ग चलिए ख, ख देखिए ख में दिया केवल रासायनिक समीकरण, कुछ भी लिखना नहीं है प्यारे बच्चे, लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे रासायनिक, समय की बर्बादी होगी और क्या, रासायनिक समीकरण, नंबर थोड़ा नहीं कटेगा, रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, पूछा है 1-2 एक एक नंबर का दिया, एक एक नंबर का, ठीक एक एक नंबर का दिया, एकदम सही है, कुछ भी नहीं, पेपर एकदम हल्लुक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको रासायनिक समीकरण देता है, देखिए दिया है ना, केवल रासायनिक लीजिए। ठीक, चलिए केवल रासायनिक समीकरण लीजिए, पहला दिया है, क्या दिया है, मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है, मैंने पहला वीडियो में मेरे देखिए सूत्र आपको याद करना, मेथेन क्या, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बताइए, तो पहला यदि आंसर दे देंगे तो एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। हाँ चलिए, मेथेन का होता है CH4 होता है ना, तो मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के अभिक्रिया, क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, प्लस कराएंगे, प्लस क्या कराएंगे, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 की अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, कहते गिब्स दे दीजिए इसकी आगे क्या, एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं, कहा मेथेन पर Cl2 क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन का Cl2 होता है, मेथेन का CH4 होता है, मेथेन प्लस क्लोरीन, लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दीजिए सूर्य भगवान को बना दीजिए, कहा सूर्य भगवान रहेंगे तभी इनके सामने हम काम करेंगे, जैसे कोई काम करवाते हैं आप तो वह काम आपकी उपस्थिति में होता है ना, कि हमारी उपस्थिति में इतना काम होना चाहिए, मैं इतना खड़ा हूं चलिए काम करिए, तो वही कराए अभिक्रिया कि मेथेन की ऊपर, मेथेन और क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोनों की क्रिया करे तो क्या बनता है कंपाउंड बताइए, क्या बनता है यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों बनता है क्या जानते हो, क्या बनता है हमारा, बनता है CH3Cl, क्या बनता है CH3Cl, और प्लस HCl बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बस मेथिल को राइट क्या बनता है, मेथिल, एकदम
मेथिल क्लोराइड लिख लीजिए। यह भी मैंने आपको सूत्र में बताया हूं, मेथिल क्लोराइड देखो कैसे बनेगा। अब तो मैंने कर दिया, देखो एक हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक क्लोरीन निकाल दो, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके HCl बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH3, तीन हाइड्रोजन बचा तो CH3। यहाँ पर एक क्लोरीन निकल गया तो कितने क्लोरीन बचा? एक बचा, तो एक इसमें जुट जाएगा तो Cl बन जाएगा। इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम HCl बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, एक नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, आप देखिए अब क्या आपको इतना हो गया। ठीक, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब 2020 में आएगा तो क्या आएगा? 2020 में आएगा कि जब मेथेन को क्लोरीन के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसे प्राप्त होगा ये बताइए आप। तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम CH3Cl को हम Cl2 से अभिक्रिया कर दे, इसको उतारिए फिर CL2 से क्रिया कर दे तो बनने वाला जो कंपाउंड है देखो CH2 बन जाएगा और CL2 बन जाएगा और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। प्यारे बच्चों नहीं समझ में, देखो यहाँ से टू हाइड्रोजन बचा, टू हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकल गया, एक HCl बाहर निकल गया। फिर इससे क्रिया कर दो CH2Cl2 से प्लस Cl2 से क्रिया कर दो तो बनने वाला जो कंपाउंड है प्यारे बच्चों ना देखो क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा। देखो अब HCl देख लेना, ठीक समझ में आएगा कि नहीं? अब यहाँ चलो फिर इससे क्रिया कर दो CHCl3 प्लस Cl2 से क्रिया कर दो तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया प्यारे बच्चों देखो। ठीक, अब बनेगा का सी बन जाएगा, सी Cl4 पांच है तो Cl4 और प्लस एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन एक Cl, इसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन, कार्बन टेट्रा टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड यही पूछेगा आपसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है। तो हम मेथेन को क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, बस इतना ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही पूछा है। पूरा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं तब भी आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया होती है, बस इसी तरह Cl2 से अभिक्रिया करा दीजिए, फिर इससे अभिक्रिया Cl2 से अभिक्रिया कर दे फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैंने कल की वीडियो में फार्मूला बताया था, पूरा फार्मूला यूज हुआ कि नहीं प्रयोग में, इसको नोट डाउन करिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का हो गया होगा। 6 का ख, चलिए हो गया। तुम भी प्यारा बच्चों इस तरह एग्जाम में लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण। तो 6 का मैंने 1 बता दिया, 6 का, 6 का दूसरा क्या है? केवल रासायनिक समीकरण दिया है प्यारे बच्चों। का था एथेनॉल, तो मैंने कल की वीडियो में एथेनॉल का सूत्र C2H5। अब बताइए रासायनिक, केवल रासायनिक समीकरण देता हूं, कुछ लिखना हिंदी में नहीं है आपको, तो बताइए कह रहा है एथेनॉल, तो एथेनॉल का सूत्र मालूम रहना चाहिए तब ना लिखेंगे, कैसे रिएक्शन बनाएंगे। तो एथेनॉल, तो एथेनॉल मैंने लिख दिया को शांत सम्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथेनॉल की सांद्र 160-170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, क्या बनता है बताइए। तो समझाने ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको पढ़ने में लगेगा लेकिन आसान है। एथेनॉल को शांत सम्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, किसके क्या क्या करेंगे बताइए, शांत सम्फ्यूरिक अम्ल से अब क्या करेंगे। ठीक, शांत सम्फ्यूरिक अम्ल से देखिए, तो हम प्लस एथेनॉल लिख दिए, एथेनॉल लिख दिए शांत सम्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अतः S2SO4 मैंने बोला शांत सम्फ्यूरिक अम्ल हो गया, किसकी उपस्थिति में कह रहा है देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है 160 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ताप पर गर्म किया जाता है, ताप पर। जैसे कर रहा है क्वेश्चन को उससे करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों। हाँ,
देखो कहा है, बार बार मैं एक ही चीज को बता रहा हूँ, क्यों समझ में नहीं आएगा। एथेनॉल को जब हम शांत संपूर्ण अल्म के साथ इतना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है बताइए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बनता है आपको बताना है, क्या बनता है बता सकते हैं। देखो C2H5 क्या बनेगा, C2H5 into HSO4 आप प्लस देखो यहां पर एक हाइड्रोजन बचा तो H2 यहां पर ऑक्सीजन रहता है H2 तो ये बन जाएगा इसका नाम तो सोडियम क्या बन जाएगा बता सकते हैं, इसका नाम क्या है बता कोई बताएगा भैया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अगर हम चाहूंगा प्यारे बच्चों तो इसी से हम क्रिया कराएंगे C2H5 into HSO4 से, ठीक नहीं, थोड़ी सी देखो एक बात आओ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चे, थोड़ी सी मिस्टेक हुआ बस, यहां से ताप से क्रिया नहीं होगा, ठीक आपको थोड़ी सी मेथिल कोहर पर हम H2SO4 से क्या करते हैं तो C2H5 into HSO4 plus H2 बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम करा है 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस से ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, जो बनने वाला कंपाउंड है ना प्यारे बच्चों वो बनता है क्या C2H4 प्लस क्या बनता है H2SO4। बेहतर हम लोगों में जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन आया था C2H4 plus H2SO4, इसको हम अथवा R इसको CH double bond CH या CH2CH2 दो चार CH2 से इसका नाम जानते हो एथिलीन नाम है एथिलीन इसका नाम है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पदार्थ है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 6 का क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत कठिन है, कुछ नहीं, आप लोगों की कॉपी में नोट डाउन होगा, इसको निकालिए पढ़िए, बस इसी से क्रिया कराना है, बस थोड़ा सा अलग करना है C2H5, ठीक इतना है, अब H यहाँ दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन SO4 ठीक, इस तरह आपको एथिल को है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, 6 का खत्म, 7 का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, कुछ करना नहीं है आपको, फार्मूला आना चाहिए, जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक कैसे रिएक्शन होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मान लीजिए यही नहीं आ रहा होगा तो कैसे 20 में आएगा 2000 UP बोर्ड के, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक रिवाइज करना होगा फार्मूला को और रिएक्शन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ी सी। अब 7 का क, चलिए 7 का क मैं बताता हूं अभी, चलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो लंबी हो चुकी है तो चलिए एक बता देते हैं, 7 का बता देते हैं, ठीक चलिए। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स जल्दी से बता दें, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों बता सकते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण देकर स्पष्ट करिए, रिडॉक्स जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन से होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन से जो अभिक्रिया बनती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। ऐसे एग्जांपल यदि आप लोग करना चाहते हैं एग्जांपल, तो जैसे मान लीजिए टू सी यू प्लस ओ टू ठीक, तो Cu2O यानी कि ये ऑक्सीजन का ऑक्सीकृत किया, क्या ऑक्सीकृत किया ऑक्सीजन, अब जैसे मैंने कहा आपसे क्या कहा Cu2O plus H2, अब यह हो जाएगा 2Cu plus H2O यानी कि ये अपचयन कर लिया,
ये अपचयन कर दिया ऑक्सीजन को, तो ये अपचयन अपचयन। अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या लिखा, जेडियन ओ प्लस सी कार्बन, जेडियन प्लस सी ओ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया हुई है। जो जेडियन है ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हुआ और कार्बन जो है अपचयन हुआ इसमें, ठीक। तो ऑक्सीकरण अपचयन आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया ये लिखना है, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं यार, बहुत ही मजेदार कुछ भी नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए एक विधि का लिखिए, इसे जल से अपक्रिया भी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने नहीं बता पाया प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, क्योंकि और मैं एक एक चैप्टर का वीडियो पढ़ाऊंगा तब तो जाकर केमिस्ट्री आप लोग सीख सकेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख लिए होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि पूछा है। सेवन का ख आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ भी अपक्रिया भी करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा बता दें जिप्सन का सूत्र क्या होता है, जिप्सन 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 का सूत्र क्या होता है बता सकते हैं, जिप्सन CuSO4 into 2H2O आप लोगों को मालूम होगा, ठीक। जब हम इस पर जिप्सन पर CuSO4 into 2H2O को हम दो मोल इसका लेकर, इसका नाम है जिप्सन, जिप्सन क्या नाम है जिप्सन, 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं इसको उबालते हैं, क्या करते हैं उबालते हैं, तो बनता है CuSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O बनता है, ठीक। इसका नाम प्लस 3H2O, इसका नाम है प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इसका नाम है प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही बनाने की विधि दिया था, तो इस प्रकार आप बना लेंगे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में इसका आप मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, मान लीजिए मैंने लिखा CuSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल से अभिक्रिया करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं 3H2SO की, जल से अभिक्रिया करा दीजिए, जल से जल माने H2O माने पानी या जल एक ही होता है, तो क्या बनता है बताओ, CuSO4 क्या बनता है, CuSO4 into 2H2O ये बन जाता है, ये जिप्सन बन जाता है, जिप्सन उल्टा बन जाता है पानी से अभिक्रिया कराने के लिए बुरा। तो अब बनाने की विधि लिख लीजिए, बनाने की विधि लिखेंगे, क्या बनाने की विधि लिखेंगे और जिप्सन को क्लियर करेंगे तब आपको जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक। और आगे वाला क्वेश्चन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मालूम है, जो हड्डी टूट जाती है हड्डी, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है उस पर जोड़ने के लिए, हड्डी को जोड़ने के प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टी लगाया जाता है उसमें, मलहम टाइप का जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हड्डी को टूटने। अब पीएच मान दिया है, पीएच मान क्या होते हैं दिया है, पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग भी लिखना है, पीएच मान देखिए, पीएच मान आप लोगों का है, पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो पीएच बराबर क्या होता है बताऊ, पीएच मान माइनस लॉग कंप्रेशन ऑफ पीएच है, यही होता है, या कर सकते हैं या अथवा पीएच बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं लॉग 1/2 कंप्रेशन ऑफ पीएच है, ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर, ठीक। पीएच बराबर क्या कहते हैं पीएच को बता सकते हैं, पीएच बराबर हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर, मैंने क्या लिखा हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर
मोल प्रति लीटर में सांद्रण सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मान कहते हैं। क्या बच्चों, देखो हाइड्रोजन है, आयन है, इसके ऊपर आयन है, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, इसका नाम जो कंड, इसका नाम जो कोष्टक है, इसका नाम सांद्रण है, के ऋणात्मक है ना, लघुगणक, इसका नाम क्या है, लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस लाख सांद्रण आप यह चयन, इसका नाम यह चयन ऐसे लिख सकते हैं, यह चयन। ठीक, तो इस प्रकार से आप पीएच हाइड्रोजन आयन की मूल प्रति लीटर में सांद्रण क्रियात्मक लघुगणक को पीएच का मान करते हैं। इस तरह आप पीएच का मान ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, और इसका उपयोग भी, पीएच का प्रयोग क्या है, जो आमाशय होता है इसका कार्य, इसका कार्य पूछा है, कारण देखिए क्या पूछा है, पूछा है आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तीन चार टाइप, दो नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का, इसको आधा पन्ना में लिखेंगे, कम से कम आधा पन्ना में कार्य, इसका कार्य क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब मालूम होगा, आमाशय, हमारा जो आमाशय है इसमें पीएच मान 2.7 पाया जाता है, आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक, जो आमाशय में पीएच मान 2.7 पाया जाता है, और इसका पीएच मान 5.5 ये दांत में प्रयोग किया जाता है, दांत में पाया जाता है पीएच मान, पीएच मान इतना रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है, पेड़ पौधे में भी पीएच का प्रयोग किया जाते हैं। ठीक, तो बुक में होगा, आप लोग देख लीजिएगा पीएच का प्रयोग, इस तरह मैंने थोड़ी से लैंग्वेज में बता दिया प्यारे बच्चों। इस तरह आठ वाला क्वेश्चन दूसरे अगले वीडियो में होगा। ठीक, इतना ही पास प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दबाकर प्यारे बच्चों, और इसको बेसिक तरीके से इस तरह हाई स्कूल प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीज नहीं हाई स्कूल में आपको आने वाली है, बस इतना ही आप लोग तैयारी कर लेंगे, आपको पेपर का आइडिया मिल गया होगा, किस तरह पेपर को हल किया जाता है, पेपर का सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, इस तरह प्यारे बच्चों आपको इसी तरह और डायरेक्शन में वहां का लिखना हो, बस इतने ही आप लोग कर लेंगे तो आपका 80% के ऊपर नंबर आ सकता है प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह आप लोग चैप्टर वाइज जो आप टीचर पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने कई तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पोटास का बताया, फिटकुरी का बतलाया, अलग अलग चीज के अलग अलग डायरेक्शन में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। इस तरह थोड़ा सतर्क रहिए अपने क्वेश्चन को लेकर। अब अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो बताऊंगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।